राम जी रावण के वचनों को सुन करके कहते हैं, हे रावण, इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले कैसे होते हैं? पाटल की तरह, दूसरे रसाल की तरह, और तीसरे पनस की तरह। ये पाटल क्या होता है भाई, किसी को मालूम है? गुलाब के फूल की तरह दिखने में अच्छा होता है, लेकिन एकदम बेकार होता है, फल ही नहीं होता। पनस मतलब आम होता है, जिसमें रसी रस होता है। और एक कटहल होता है जो सीधे फल देता है, फूल नहीं देता है। ऐसे इन तीन फलों की तरह तीन तरह के लोग होते हैं। एक खाली कहते हैं, फूल देते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी बात हाकेंगे, करेंगे आपके लिए कुछ नहीं, और बेकार लोग होते हैं। दूसरे होते हैं जैसे आम का वृक्ष है, वो मौर देगा और फल भी देगा, बोलेगा करेगा भी, ठीक है, ये थोड़े अच्छे होते हैं। इनसे भी अच्छे वो होते हैं जो कुछ करते हैं और किसी को बताते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं, किसी का भला करेंगे, कहीं दान करेंगे, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि केवल नाम के लिए दान करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हमारे आयोजक लोग ना नौटंकी शुरू करते, फलाने ने दिया 2,500 रुपया, फलाने ने दिया 5,000, उन्होंने दिया 51,000, उन्होंने दिए 1,00,000 रुपया, तो जानते हो क्या होगा? चाढ़ा ऊपरी के लिए ना लोग दान देंगे कि अच्छा उन्होंने इतना दिया है तो उनसे ज्यादा नहीं, लेकिन 1,000 अधिक देंगे। हाँ, तभी तो स्टेटस मेंटेन होगा कि हम उनसे अधिक सामर्थ्य रखते हैं। इस तरह के दान का कोई फल नहीं है, इससे सिर्फ आपकी हैसियत का ब्यौरा मिलता है, कोई पुण्य नहीं होता। सबसे अच्छा दान वो है कि कहीं जाओ सही जगह पर, गौशाला में, कहीं गरीब अनाथालय में, उनके साथ कुछ बात बांट करके आओ, साझा करके आओ, घर से खीर पूरी बना के ले जाओ, उनके साथ बांट के खिला पिला के चले आओ, बहुत सुख मिलेगा। तो राम जी कहते हैं तुम गुलाब के फूल की तरह हो, खाली बोलते हो, बड़बड़ बड़बड़ करोगे कुछ नहीं। दोनों में युद्ध शुरू होता है, भगवान बार बार उसके सर को काटते हैं, लेकिन उसका सर आके जुड़ जाता है। उधर माँ जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं, उनकी एक सेवा में लगी हुई है जिसका नाम है त्रिजटा। राक्षसी है शरीर से, लेकिन वैसे वो भगवान श्री राम की बहुत अच्छी भगत है। तो त्रिजटा से पूछती है, त्रिजटा रणभूमि में क्या हो रहा है, हमारे राम जी की क्या स्थिति है? तो बताती है त्रिजटा, काटत सिर होई ही बिकला छूट जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरिहि राम सुजान। इसी उद्देश्य से बार बार रावण के सर को राम जी काटते हैं। थोड़े देर बाद जाकर के विभीषण भगवान के कान में कहते कि ये प्रभु आपको नहीं मालूम है, ये ऐसे नहीं मरेगा, ना भी कुंड पीयूष बस या के नाथ जीवत रावण बलता के। इसके नाभि में ना अमृत का कुंड है, और जब तक वो वहां रहेगा तब तक रावण का वध नहीं होगा, ये राम जी को मालूम था। लेकिन विभीषण का भी योगदान होना चाहिए ताकि कहे कि हमने बताया था कि हमारा भाई कैसे मरेगा। इसीलिए लोग अपने घर में नाम नहीं रखते विभीषण किसी का, पता नहीं किसी का है आपके गांव में, शायद ही नाम असली नहीं रखते हैं, लेकिन बाद में जरूर नामकरण कर देते हैं कि विभीषण का ही लड़का हम है, जो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। जब विभीषण बताते हैं तो राम जी अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। 31 बाण
जब छोड़े धनुष से ना तो एक ही बाण 31 बाणों में विभक्त हो गया, 10 बाण उसके सर को काट दिए, 20 उसके भुजा थे उसको काटे, और बीच वाला जो सर था ना, एक बाण जो है उसके नाभि में जाकर वो अमृत को सोख लिया, और एक बाण उसके सर को ले जाकर क्योंकि उसकी पत्नी के सामने रखा। पत्नी जब देखी तो बहुत दुखी हुई, लेकिन प्रसन्न भी थी क्योंकि वो बहुत समझाई थी राम से, वैर मत करे रावण, लेकिन नहीं माना तो क्या कर सकते हैं। सोचती है कि चलो ऐसे तो इसकी मुक्ति होती नहीं, भगवान के हाथों आज हमारे पति का उद्धार हो गया। बहुत दुखी है, भगवान जा करके उसके दुख को दूर करते हैं ज्ञान के माध्यम से। और जब रावण का वध हो जाता है तो आकाश में देवता लोग उपस्थित होकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, स्यावर रामचंद्र की।